ये मोलिहाल मुगलों की रोड है, आगे बाई तरफ वो सड़क है जो भूभर काल और पातशाह की तरफ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको चकवाल शहर के कस्बे मोलिहाल मुगलों से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर एक गांव काल की सैर करवा रहे हैं। ये गांव इलाके में चंद एक मशहूर शख्सियात के हवाले से जाना जाता है, जैसे कि चौधरी मोहम्मद खान ऑफ काल। इसके अलावा OGDC के ज़ेर इंतज़ाम कॉयल आयल फील्ड भी इस इलाके की पहचान है। अब हम इस गाँव में दाखिल हो रहे हैं। ये गांव मोलिहाल काल और चकवाल रोड पर वाक़ है। गांव के आसपास काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और ये बरानी इलाका है, और बरानी इलाके की तमाम फसलें अपने मौसम में यहाँ उगाई जाती हैं। ख़ास तौर पर मूंगफली काफ़ी मशहूर फसल है, जो अप्रैल मई में काश्त की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। ये इस बाई तरफ देखें, ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की बात। ये दो की सोलर वाली गली है, आगे जा रहे हैं। 4:30 का टाइम है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वीरान गांव है, लेकिन जून जुलाई के शाम के वक्त अक्सर लोग कम ही बाहर निकलते हैं। मरकजी इलाका है जिसमें लोग बड़े बड़े हुए हैं, दुकानें भी हैं और साथ हमारा घर भी है, और उसके साथ चंद लोगों की जिंदगियाँ भी हैं, और ये औरतें पानी भर रही है। ये गांव काल के एन मरकज़ में दो कुएं पानी से हर वक्त भरे रहते हैं। जब वाटर सप्लाई ख़त्म होती है तो ये यहाँ से पानी भरकर इस माल में लाया जाता है। सरकारी पानी के पाइप भी तकरीबन तमाम घरों में मौजूद हैं, लेकिन पीने के लिए साफ पानी इन्हीं कुओं से लिया जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुएं से डोल के ज़रिए पानी कैसे निकाला जाता है। बेटा इसे नाल हो जाना, ज़रा नाल हो जाना। Thank you.
सीधे खड़े हो। ये दीवार है, ये हमारा गेट है, ये पुरानी इमारत हमारा घर, इसको अंदर से आपको दिखाते हैं। बाएं से आप देखें ये गली है, ये हमारी फैक्ट्री है, ऊपर छत है, काफ़ी खस्ता हाल है। ये घर तकरीबन 35 साल से बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी खस्ता हालत में है। इसके दाएं जानब कुछ कमरे गिर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका मलबा यहीं पड़ा हुआ है। हमें भी अभी इनको दोबारा बनाने का मौका मिला नहीं है। हमारे एक मामू इस घर की देखभाल करते हैं और हिफाजत भी करते हैं। ये इस गांव का एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल है, जिसके चंद कमरे हैं और आजकल इसकी एक बाउंड्री वॉल भी है। 70 की दहाई में ये लड़कों लड़कियों के लिए मुश्तरका स्कूल था, अब ये सिर्फ लड़कियों के लिए मखसूस है। इस स्कूल से हमारे बचपन की काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। ये मेरा बचपन का स्कूल है जी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले एक कमरे स्कूल होता था। अब इस वक्त इस स्कूल के हाथ में 3 बड़े कमरे हैं। एक कमरा तो वही है जो 70 की दहाई में बनाया गया था, जबकि बाकी कमरे बाद में तमीर किए गए हैं। पुराने स्कूल के बिल्कुल साथ ही एक नया स्कूल बनाया गया है, जो मिडिल क्लास तक बच्चों को तालीम देते हैं। इंट्रो दे से आ जा। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काल शरीफ कैसा है? ठीक है। कितना ठीक है? बहुत बहुत ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। जबरदस्त। सारे बच्चे जितने क्लास 4 में पढ़ते हैं? नहीं। एक क्लास 1 में, एक 2 में, 3 में, एक 4 में। 5 में। तो जो सर हैं आपके, टीचर, उनका नाम क्या है? जबरदस्त। ये पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पढ़ते थे, ये नई बनी, इधर बनी है। और आप इस स्कूल के बारे में और क्या कहोगे बताओ? कितना अच्छा स्कूल है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सही पढ़ते हो ना? बहुत अच्छी होती है। जबरदस्त, ठीक है। फिर पढ़ का क्या करोगे बड़े होकर? मेरे तरह से यहाँ से निकल जाओगे गांव से? नहीं। पेंट छोड़ देगा? छोड़ देगा तुम्हें पेंट, तू फौजी बन जाएगा, आ जाओ तू शहर चला जाएगा। चल ठीक है बेटा। ये इस जगह पर थोड़ी सी जगह जो आपको नजर आ रही है, स्कूल के साथ एक छोटी आबादी भी है, और ये जगह भी बड़े नज़ारे पर है। इंशाल्लाह मौका मिला तो यहाँ कोई अच्छी सी जगह या फार्म हाउस बनाया जाएगा। गांव काल का वो इलाका है जहाँ पानी ज़खीरा होता है, और इसको जब्बर कहा जाता है। जब बरसात का मौसम होता है तो ये पूरा इलाका भर जाता है, और कई महीनों तक
पानी जानवरों के पीने के लिए और छोटे मोटे और कामों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही एक कब्रिस्तान है। ये काल गांव का सदियों पुराना कब्रिस्तान है। कब्रें हो चुकी हैं, सवाई कब्रे हैं, अब कुछ नई कब्रें मौजूद हैं जिन पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। काल शरीफ के इस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा अहाता है जिसमें सबसे आम कब्र मेजर गुलाम अहमद गोंदल साहब की है, जो लीपा में मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए 5 मई 1972 में शहीद हुए। ये उनकी जोजा की कब्र है। कुछ कब्रें और हैं जो इन्हीं के रिश्तेदारों की हैं, जो भी इसी हत्थे में मौजूद हैं। वालदा माजदा है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों, हमारे अबा अजदाद की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में वाक़ हैं। ये गांव काल की मशहूर शख्सियत चौधरी मोहम्मद खान अफकाल हैं, जो ज़िला कौंसिल चकवाल के 1985 से 1987 तक पहले चेयरमैन रहे हैं। 2003 में इनका इंतकाल हुआ और इसी काल चकवाल रोड पर OGDC ऑफिस के बिल्कुल सामने इनकी कब्र मौजूद है। इसके अलावा सैयद रहम अली शाह और बाबा सैयद हैदर शाह जैसी अजीम हस्तियों का तल्लक भी इसी गांव से है और उनके मज़ारात भी इसी गांव में मौजूद हैं। मार्केट बाबा हैदर शाह काल शरीफ। मार्केट में कितनी दुकानें? 4 दुकानें। और ये जी कैसर शाह साहब मेरे साथ हैं। अब हम इस वक्त काल शरीफ में कब्रिस्तान के बाहर मेन रोड पर खड़े हैं। जनाब सैयद कैसर बुखारी साहब ने अपने दादा जनाब हैदर अली शाह साहब के नाम पर इस मार्केट का नाम रखा है। उम्मीद है उनकी बरकत से ये मार्केट जल्द तरक्की पाएगी। अब हमारी अगली मंजिल इसी काल चकवाल रोड पर वाकया OGDC का मेन ऑफिस है। ये मेन ऑफिस काल ऑयल फील्ड के तमाम मामलात को हैंडल करता है और यहाँ से क्रूड ऑयल कलेक्ट करके मेन बड़ी रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है। ये OGDC की काल ऑयल फील्ड का मेन ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कितने तैयारी है ने? कोई बंदा कोई नहीं थोड़ा कार कोई खुद जाने है पट्ठे लेने वास्ते? इन बुजुर्गों की बहुत हिम्मत है कि इस सेहत के साथ और इन हालात में भी मुसलसल अपने खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं। शाम के वक्त चरवाहे भी अपने डोर डंगर लेकर वापस अपने घरों में आ रहे हैं। जी ख्वातीनो ज़रात, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों जानब बसी और खेतों में हल चलाकर अगले
फसलें काश करने के लिए ज़मीन हमवार की जा चुकी है। बरसात के दिनों में ये ज़मीनें बहुत ज़्यादा मकदार में पानी जज़ब कर लेती हैं, जो आइंदा आने वाली फसलों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।